अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे हैरियत के साथ होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फ़िश और चिप्स की। तो यहाँ यूके में फ़िश एंड चिप्स काफ़ी फेमस हैं, तो सबसे पहले हम फ़िश को तैयार करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए देख लेते हैं हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। मैंने एक ग्लास स्पार्कलिंग वाटर का लिया है, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने मैदे का लिया है, 3 से 5 टेबलस्पून मैंने एक्स्ट्रा मैदा लिया है टेस्टिंग के लिए, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का है, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर और 1 ही टेबलस्पून नमक का है। तो चलिए जी, सबसे पहले फिश के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप मैदे का है तो इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर चाहिएगा। वाइट पेपर और नमक ये 1-1 टेबलस्पून है। चले जी, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो स्पार्कलिंग वाटर है इसके साथ मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप इसकी जगह वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, स्पार्कलिंग वाटर से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा और ऐड करूँगी। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, कोई लम्स कोई गुठली ना रहे। ये देखें जी, ये अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं इसको। मैंने यहाँ पर 2 सी बास फ़िश के फिलेट्स लिए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़िश ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन फिलेट्स को स्किन के साथ इस्तेमाल करूँगी, आप इनकी स्किन को रिमूव भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब जी जो डस्टिंग तैयार करेंगे उसके लिए हमें मैदा चाहिए, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। आप अपने हिसाब के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा मकदार में फ़िश बना रहे हैं तो इसकी मकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक का, बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैंने जी 3 आलू लिए हैं तो अब मैं इनको काट लूँगी कि इनके चिप्स बनाने। मैं थोड़े मोटे मोटे साइज में, मैं थोड़े बड़े और मोटे साइज में चिप्स बनाऊंगी, तो इसलिए मैं, मुझे इतना साइज के चिप्स चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़े मोटे साइज में काटे हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़े बड़े साइज में आलू लें तो इससे चिप्स अच्छे बनेंगे। पानी में साथ साथ डालती जा रही हूँ क्योंकि इनका फिर कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। फिश एंड चिप्स के साथ मिशी पीस भी बनाऊंगी, तो मैंने तकरीबन 1 कप लिया है पीस का, तो उनको बॉईल कर लिया है। तो इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून में नमक ऐड करूंगी एंड 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, थोड़ा सा पानी कि इसे ग्राइंड होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इन तमाम अशिया को मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँ, एक पेस्ट सा बना लूँगी। इन तमाम पीस को, नमक और वाइट पेपर को मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये देखें, इसको मैं होना चाहिए, या मस्टर्ड सॉस डालूँगी थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून से भी कम, क्योंकि इसका आप जो फ्लेवर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो तकरीबन 1/2 टीस्पून मायो डाल दूंगी। चले जी, हमारे मिशी पीस रेडी हो चुके हैं, सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। चले जी, अब फिश को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। पहले ही ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, तो सबसे पहले एक फिलेट लूंगी, फिश फिलेट।
उसको ये मैदे वाले जो है उसको कोटिंग लगाऊंगी मैदे की। इस तरह दूसरी जो है उसको भी ऑयल काफ़ी गर्म हो चुके हैं, अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं, तो अब मैं फिश को इसमें डाल के अच्छी तरह इसकी कोट काट ली तो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये देखिए भी दूसरा चला। चले जी फिश रेडी हो चुकी है तो मैं छिड़का लेती हूँ इसको। मैं यहाँ किसी भी कूलिंग पैक पर निकाल लेती हूँ। अच्छी तरह हमारी फिश फ्राई हो चुकी है तो ये देखें इसका जो आपको सोंड आ रहा है इसकी अच्छी तरह ये क्रिस्पी तैयार हुई है। चले जी चिप्स बना लेते हैं। तो मैंने आलू को पानी से निकाल के किचन टॉवल से अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। तो सिर्फ इसमें हाफ टी स्पून में नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। जी चिप्स रेडी हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो देखें जी इनका कलर देखें, जबरदस्त किस्म के चिप्स तैयार हुए हैं। ये देखिए जी मैं सारे निकाल चुकी हूँ तो ये रेडी हो चुके हैं। जो बाकी के रह गए वो इसी तरह उनको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार फिश एंड चिप्स रेडी हैं। तो यही उम्मीद कर सकती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे ट्राई कीजिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।